रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फरहमी स्किन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज असल मैं आपको छोटे से प्रोडक्ट सिखाने वाली हूँ जो कि मेरे भाई इंग्लैंड से लाए थे। मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर दूँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा हमें जो चीज़ पसंद आती है तो हम आपको रिकमेंड कर दें, ठीक है। तो अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पे एक बेरी वो है, आई शेडो पैलेट बेरी वाला, और इसके अंदर सारे पिंक शेड है, आप देख भी सकते हैं, थोड़े से पिंक हैं और थोड़े न्यूड है, और ये बहुत ही हाई पिगमेंट वाले और बहुत ही अच्छे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको इनके वो रिजल्ट्स, बल्कि अभी भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतने ग्लिटर से है, ये सारे आपको मैं ग्लिटर वाले दिखा रही हूँ। ये देखें, अगर आप लोग कोई ब्राइडल मेकअप करना चाहते हैं, पार्टी मेकअप और बर्थडे या जिस चीज़ का भी मेकअप करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है जी। तो अब दूसरा हमारे पास है बेयर वाला, ये बेयर आई शेडो पैलेट है। इसके अंदर हमें सारे न्यूड शेड मिलते हैं और थोड़े से गोल्डन, अभी जैसे इसका मार्शमेलो, मैपल, कुकी, ट्रफल, कैरमल एंड रोज़ वाटर, ये सारे न्यूड शेड हैं। और मैं मोस्टली न्यूड शेड यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, तो मैं ये लगाती हूँ ज़्यादा, वो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ, मैं ये लगाती हूँ। इसकी भी बहुत अच्छी पिगमेंट है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ये इतने प्यारे ग्लिटर। तो जी, ये हमारे पास दो आई शेडो हो गए। अब इसके बाद मेरे पास आता है क्लिनिक का कंसीलर। मेरे पास क्लिनिक का फाउंडेशन भी है, लेकिन अब वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को कंसीलर दिखा दूँ। ये एयर ब्रश कंसीलर है, इसको आप नीचे से ऐसे खोलें ना, नीचे से ऐसे थोड़े से वो कर लें, तो यहाँ से ये देखिए निकल जाता है कंसीलर, और ये बहुत अच्छा कंसीलर है, ये देखिए बहुत ही हाई पिगमेंट वाला है एंड 24/7 वाला है। तो ये भी आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी, ये क्लिनिक वाला। अब इसके पास आते हैं, अब क्लिनिक वाला आई डोंट नो पाकिस्तान में मिलता है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और लोरियल वाला तो मिलता है, लेकिन मैंने बस भाई को कह दिया था कि वो मेरे लिए ला दे इंग्लैंड से। तो लोरियल वाला बहुत ही हायर पिगमेंट वाला है, ये 24/7 वाला है, और ये बहुत फेयर है। आप लोग अपने स्किन टोन के मुताबिक कंसीलर हमेशा स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए, ताकि वो आपके डार्क सर्कल हो या डार्क स्पॉट हो उन्हें छुपाए। मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। मैं तो आपको इस ये लगाने की बात है, मुझे लगता है आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई सिंपल सा मेकअप करना है, और अगर ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप करना है, तो पहले प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, फिर फाउंडेशन एंड देन ये कंसीलर। ये बहुत ही फेयर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मतलब ये लिटरली हर एक डार्क स्पॉट को, या फिर आप लोग कह दें कि डार्क सर्कल को हाइड कर देता है। ये देखिए बहुत ही हाई पिगमेंट वाला है। अच्छा जी, तो उम्मीद है आप लोग का मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। असल में हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, हम कहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करें, और इसलिए हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं। तो आई होप यू गाइस को ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।